सागर में चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने खजूरी इलाके में एक चौकीदार की भी हत्या सिर कुचल कर की थी। हत्या करते हुए आरोपी का सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस की पूछताछ में उसने हत्या करना भी कबूल कर लिया है। भाजपा लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, उनके कथित व्यक्ति ब्राह्मणों पे आ बहुत कठिन टास्क था। अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए, भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो तीन घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है, और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई, अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। दरअसल सागर में एक के बाद एक चार हत्याएं कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर को सागर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सागर में ही नहीं बल्कि भोपाल के खजूरी में भी मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और हालांकि पुलिस मेडिकल टेस्ट के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। भोपाल के खजूरी इलाके में हत्या करते आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी ने सागर में 72 घंटे के दौरान एक के बाद एक तीन हत्याएं की थी, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। जांच में सामने आया था कि चारों मामलों में अपराध का तरीका एक ही है। पकड़ा गया आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को ही निशाना बनाता था, जो रात में सोते हुए चौकीदार के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर देता था। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई थी, तो वहीं पुलिस जांच में पता चला था कि एक सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल और कुछ पैसे गायब हैं। लिहाजा इसके बाद से ही पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही थी। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल से सागर पुलिस को आरोपी के भोपाल पहुंचने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने भोपाल के बैरागढ़ में भी इसी तरह के एक चौकीदार की हत्या की थी, तो वहीं भोपाल जोन 4 के डीसीपी विजय खत्री ने हत्या की पुष्टि की है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, थाना खजूरी में एक हत्या का मामला आया, क्या पूरा मामला है सर? जो थाना खजूरी में मामला हुआ है, इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पे एक गोराजी मार्बल की फर्म है, जिनका वहां गोडाउन भी है और ऑफिस भी है। वहां उनका जो चौकीदार था उसकी हत्या हुई है। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उसकी डेड बॉडी कैंपस में ही मिली। रात को वो अकेला वहां सो रहा था। तहकीकात करने पर और सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति करीब 25-30 साल की उम्र का है, और उसने उसको वहीं पे पड़े हुए मार्बल के टुकड़े से सिर में 5 बार वार करके उसकी हत्या की है। और फिर बाद में हमें यह भी सूचना मिली है कि सागर में भी उसने इसी तरीके के 4 मर्डर पहले किए थे इसी तरीके से, और उसको सागर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले भी लिया है, और पूछताछ करने पर उसने कबूल किया है कि खजूरी वाली हत्या भी उसी ने की है। सर, क्या वजह है ये हत्याएं करता है? अभी वजह हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ के चौकीदार की हत्या में कोई मोटिव सामने नहीं आया है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो
जो सागर में हत्या कर रहा था वही उसी ने आकर के यहाँ की है, और चूंकि यहाँ उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था और कोई मोटिव उद्देश्य भी नहीं था, तो उसको हम प्रोडक्शन वारंट पे ला करके और रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे, अगर कुछ होगा तो फिर सामने। सर अभी तक कुल कितनी हत्याओं का कबूल करा है? हम लोगों ने अभी पूछताछ नहीं की है, सागर पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है और इसके बारे में ज़्यादा वही बता पाएंगे।